हिमाचल प्रदेश में एक साल के लंबे अंतराल के बाद सुक्खू सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ और दो नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई। नए मंत्रियों को विभाग वितरित किए गए तो विक्रमादित्य सिंह से खेल मंत्रालय लेकर यादवेंद्र गोमा को दिया गया। विक्रमादित्य की अपनी ही सरकार से नाराजगी की चर्चा भी सियासी गलियारों में हुई, खासकर तब जब विक्रमादित्य कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। विक्रमादित्य ने अब इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है। प्रदेश में एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी बोला है और उन्होंने कहा है कि वल्नरेबल स्पॉट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और पीडब्ल्यूडी के साथ भी इसे टेकअप किया जाएगा। तो किस तरह नहीं, निश्चित तौर से वल्नरेबल स्पॉट्स के लिए मैंने पीछे जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी मैंने इस आंकड़े को बड़े साफ साफ तरीके से कहा था कि हमने जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर बजटरी प्रोविजन भी करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पीछे मैं कुछ दिन पहले जब हम जंजैहली जा रहे थे तो करसोग के रास्ते में एक बड़ी दुखद घटना जो है हुई थी और काफ़ी लोगों की महिलाओं की वहाँ मृत्यु हो गई थी। मैंने तुरंत आदेश दिए और मुझे खुशी है पिछले कल मैं करसोग गया था तो वहाँ पर जो है वो आपके क्रैश बैरियर लगाने का काम पूरा हो चुका है। वैसे ही जितने भी ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, क्योंकि पहले ये पैसा डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी को आता था, अब इसकी एक कमेटी जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाई गई है, वहाँ से ये पैसा जो है वो आपके जो रोड सेफ्टी के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाता है, अवेयरनेस के लिए एजुकेशन को दिया जाता है, ब्लैक स्पॉट्स के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है, गाड़ियों के बेहतर रखरखाव के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो जितना भी एलोकेशन वहाँ से होगा उससे हम सड़कों की सुरक्षा पे प्राथमिकता पे पहले भी कार्य करते आए हैं और आगे भी जितने भी ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स पूरे प्रदेश के अंदर है, करीबन 500 या 550 स्पॉट्स है, उन पे हम जो है काम कर रहे हैं। नहीं, ये चर्चा कुछ और भी है, आपसे विभाग लिया गया है, एक तो चर्चा सियासी गलियारों में है कि इसलिए कोई नाराजगी आपके, क्या वास्तविकता क्या है? देखिए, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। जब चुनाव हुए थे पार्टी हाईकमांड ने, मैं केवल एक विधायक था, पहली बारी का विधायक था, मुझे स्टार कैंपेनर बनाया, वीरभद्र सिंह जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया हिमाचल के अंदर। ऐसा कोई पोस्टर नहीं था, ऐसा कोई बैनर नहीं था, ऐसा कोई अखबार का इश्तिहार नहीं था कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस पे वीरभद्र सिंह जी की फ़ोटो ना लगी हो। आखिरी दिन जिस दिन मतदान होना था उससे एक दिन पहले पार्टी ने एक पोस्टर, एक एडवर्टाइजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया कि मुझे भूलना मत या ऐसा कुछ, और हमें ये जिम्मेवारी दी गई। हमने करीबन पहली बार का विधायक होने के बावजूद करीबन 18 विधानसभा हलकों में हमने जाकर जो है वो पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी को जिताने के लिए सब ने, चाहे हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री थे, हमारे उस समय के चेयरमैन कैंपेन कमेटी के जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, हमारी पार्टी की अध्यक्षता थी, सब ने मिलाकर कांग्रेस पार्टी को बनाने का काम किया है। अब जो एलोकेशन का डिपार्टमेंट होता है हम उससे बिल्कुल खुश है, वो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी ने जो डिपार्टमेंट लेना है, जो डिपार्टमेंट देना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, उस पर मेरा कोई भी वो नहीं है। बाकी मैं जिस दिन बना था मैंने उसी दिन कह दिया था कि कैबिनेट स्टेटस या मंत्री स्टेटस का तगमा लगाने वाले हम नहीं हैं। व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों से जाना जाता है, कितने पोर्टफोलियोज किसके पास है या किसके पास कोई वो है, कोई स्टेटस है कैबिनेट का या नहीं है, ये चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। गवर्नमेंट सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मगर हमें अपने लोगों के साथ जो है वो अपना एक कनेक्ट बना के रखना चाहिए और मुझे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, जो उन्होंने जिम्मेवारी हमें दी उसको हमने बेहतरीन तरीके से निभाने का प्रयास किया और पीडब्ल्यूडी में भी पिछले एक साल में जो आपदा के समय में जितना हमसे हो सका हमने मिलकर उस पर काम किया। एक साल में जितना एज स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैं कर सका हमने किया, मगर उसमें बहुत सी चीज़ें थी जिसको हम अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच बहुत था प्रदेश में और आपदा का समय था, मगर फिर भी अब जिसको भी ये मंत्रालय दिया गया है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनके साथ भी मैं बैठकर चर्चा करूँगा और इसके ऊपर भी
जो भी युवाओं के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, क्योंकि नशा एक बहुत बड़ा समस्या प्रदेश के अंदर बना हुआ है, इसलिए उसके लिए युवा जो खेल मंत्रालय है बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को नशे से दूर करने के लिए। तो उसमें जो भी सहयोग मैं अपनी ओर से दे सकता हूँ उनको मैं देता रहूँगा, और इसी तरीके से हम मिलकर हिमाचल को आगे ले जाने में अपना योगदान देते रहेंगे। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।